वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नू सबसक्राइब कर लो, ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी ते इसनू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है चौपाई साहब। चौपाई साहब जी दी मिठी अते निघी बाणी मेरे तन तन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी बख्शिश है। चौपाई साहब दी बाणी रसना दे उपर आउंदे ही साडे मन नूं एक मजबूती एक बेअंत शक्ति दा अनुभव हुंदा है। जदों किते वी साडा मन किसे गल्लों बड़ा ही डरिया महसूस करे, कई बार की हुंदा कि आपां नूं कोई अणदेखिया डर ही सता रिहा हुंदा है। कुछ भी नहीं होया हुंदा पर मन नूं इंज लगदा है कि जिवें पता नहीं कुछ गलत होण वाला है, कुछ माड़ा ना वापर जावे। पर जदों आपां चौपाई साहिब जी दा पाठ करदे हां तां साडे मन दे सब डर भै खत्म हो जांदे आ। फिर तां इंसान सामने आए दुख नूं जो सामने आए डर नूं भी कुछ नहीं समझदा। उसनूं यकीन हुंदा कि मेरे नाल इक ऐसी ताकत आ जो मैनूं हर मुसीबत हर दुख विचों बाहर कढेगी। चौपाई साहिब दी बाणी सानूं अंदरों अते बाहरों हर पक्षों मजबूत बनाउंदी आ। अते जो मनुख कहिंदे आ ना कि साडा बाणी विच मन नहीं लगदा, सानूं माड़े सुपने आउंदे आ, कहिण दा भाव कि चौपाई साहिब जी दी बाणी साड़ी हर थां ते रख्या करदी आ। अते जो कहिंदे साडे तों अमृत वेले नहीं उठिया जांदा, ओह वी जे रोजाना चौपाई साहिब जी दे पंज पाठ करके अरदास करन ते मेरे गुरु नानक पातशाह जी अमृत वेला वी बख्श दिंदे आ। चौपाई साहिब जी दी बाणी पढ़न विच वी आसान आ ते सानू इकल्ले इकल्ले शब्द दी समझ वी पैंदी आ। ज्यों ज्यों आपां बाणी पढ़दे आ साडे अंदर ज्ञान विच वाधा हुंदा है। पातशाह कहिंदे चौपाई साहिब तां गूंगियां नूं वी रसना दे दिंदी है। अते जो मनुख भी बाणी नाल प्यार नहीं करदे, जिन्हां दी रसना दे उपर गुरबाणी नहीं है, गुरु दी वडियाई नहीं है, ओह मनुख रसना दे हुंदिया होया भी गूंगे ने। इसे करके कहने कि रोजाना चौपाई साहिब जी दा पाठ करिया करो। चौपाई साहिब जी दा पाठ करद्या करद्या वाहिगुरु जी अमृत वेले दी बख्शिश भी कर देंगे, पंज बाणियां दा नितनेम भी बख्शणगे। ते चौपाई साहिब जी दी महानता दा इसे गल तों ही पता लगदा है कि साडे पातशाह ने पंज बाणियां दे नितनेम विच वी चौपाई साहिब शामिल कीता है। शाम दी बाणी रह रा साहिब विच वी चौपाई साहिब शामिल है। किसी भी पाठ की संपूर्णता चौपाई साहिब अते आनंद साहिब जी तो बिना नहीं हुंदी। इसलिए चाहे किन्ना भी माड़ा समा होवे, कोई शरीरक रोग होवे, कोई दुख होवे, चौपाई साहिब जी दा जाप जरूर करिया करो, क्योंकि चौपाई साहिब हर दुख दूर करदी है। ते कई मनुख कह दिंदे आ कि रुझेवियां दे कारण सानूं दिन विच बहुता समा ही नहीं मिलदा कि असीं नितनेम कर सकीए, तां इत्थे इह वी बहाना नहीं चलना, क्योंकि चौपाई साहिब जी दी बाणी सिर्फ 3-4 मिंट लगदे आ। अते महापुरख जी वचन करदे सी कि जिन्ना गुड़ पावांगे उन्ना ही मिठा होवेगा। इसलिए जिस हिसाब नाल तुसीं फल प्राप्त करना चाहुंदे हो उसे हिसाब नाल चौपाई साहिब जी पाठ नूं वधा दिओ। चौपाई साहिब जी दी बाणी कंठ करनी भी आसान है। चौपाई साहिब जी दी बाणी पढ़न दे विच सानूं कोई भी समय दी पाबंदी नहीं है। दिन विच किसे वेले भी आपां चौपाई साहिब जी दा जाप कर सकदे हां, काम कार करदिआं होइआं भी चौपाई साहिब जी दा जाप आपां कर सकदे हां। इसलिए रोजाना चौपाई साहिब जी दा पाठ जरूर करिआ करो, क्योंकि हरेक सिख लई जरूरी है। जो मनुख भी चौपाई साहिब जी दे रोजाना पंज पाठ करदे ने उन्हां दे सामने तां डर नूं भी डर लगदा है। ते आओ रोजाना अपने रझेवियां भरी जिंदगी दे विचों समां कढदे होए चौपाई साहिब जी दे पंज पाठ जरूर करिए। मेरे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दीआं खुशियां अते बरकतां हासिल करिए।